गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर 2023 ट्यूसडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। आइए देखते हैं कि डिफरेंट करेंसी पेयर्स में कल ओवरनाइट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज आवर डॉलर इंडेक्स चार्ट। कल डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था एंड 106.21 पे क्लोज दिया था। राइट एट नाउ इट इज 106.30। अभी भी हमें अगर डॉलर इंडेक्स को सॉफ्ट देखना है तो आपका जो 12 अक्टूबर का लो है उसके नीचे क्लोज देना पड़ेगा एंड उसके बाद नेक्स्ट डे में फॉलो थ्रू देना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ हल्का सा सॉफ्टनेस है, मेजर सॉफ्टनेस कुछ है नहीं बिकॉज आरएसआई जस्ट ट्राई टू टेक रेजिस्टेंस एट 60। लेकिन इसको अगर फर्दर नीचे की तरफ जाना है तो एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म में ये जो 13 अक्टूबर का हाई है उसके ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए। डॉलर रुपीज साइडवाइज कंसोलिडेशन बरकरार है, नथिंग न्यू, इसको कंसोलिडेट होने देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है भी नहीं। हाँ, छोटा टाइम फ्रेम में छोटा छोटा 2-5 पैसे का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको बाई साइड से भी मिल सकते हैं, सेल साइड से भी मिल सकते हैं। आपके मीन्स जो भी स्ट्रेटेजी है अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर व्यू में ये साइडवेज है। साइडवेज में बेसिकली आप एक रेंज में अटका हुआ है, अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर डिसीजंस। जीबीपी डॉलर में अच्छा खासा कल एक बाउंस बैक किया है फर्स्ट टाइम। ये इट जस्ट शो दैट आई एम टेकिंग सपोर्ट एट 40। दिस इज ए वेरी गुड साइन। लेकिन गुड साइन के बाद भी फर्दर कंटिन्यूएशन एंड कंफर्मेशन हमें जरूरी है। उसके लिए हमें ये जो है आपका 12 अक्टूबर 11 अक्टूबर एंड 12 अक्टूबर के ऊपर क्लोज देना है। देन एंड ओनली देन यू कैन से यस जीबीपी डॉलर नाउ इज हेडिंग टुवर्ड्स हायर। लेकिन उसके लिए हमें और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। अभी एक इनिशियल सपोर्ट लिया हुआ है सो अभी कंसोलिडेशन तो लिटिल बिट बायस टुवर्ड्स हाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलर एक्सपेक्टेशन से कल एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है आरएसआई एट 40। दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट का पॉसिबिलिटीज है लेकिन कन्फर्मेशन आएगा आपका 12 अक्टूबर के हाई के ऊपर। ऑल्सो ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर जैसे क्लोज दे देता है। यूरो डॉलर में भी सिमिलरली आरएसआई रेंज शिफ्ट दिया हुआ है तो दैट बीइंग द केस जब तक ये आरएसआई दोबारा 40 के नीचे क्लोज नहीं दे देता है सो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी साइडवेज टू लिटिल बिट ऑफ अपवर्ड बायस। लेकिन मीन्स एक्सट्रीम बाइंग अपॉर्चुनिटीज एज ऑफ नाउ नहीं है क्योंकि जब भी ऊपर जाएगा सेलर्स विल ट्राई टू बुक देयर मीन्स सेलर्स विल ट्राई टू सेल द पोजिशंस। यूरो एनर पे भी सिमिलरली रेंज शिफ्ट है सिमिलर स्ट्रक्चर से तो अभी इसको अगर ऊपर जाना है तो आरएसए 40 के नीचे क्लोज नहीं देना है। एंड डॉलर येन में, डॉलर येन में वही 149.55। सो यहाँ पे अभी भी मीन्स काफी डॉलर में काफी स्ट्रेंथ है अगेंस्ट द येन तो वीकनेस काफी है येन पे। येन आईएनआर पे भी मीन्स ये बेस आउट करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ऊपर जाने का कोई नामो निशान दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर कैंडी कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे आरएसएस 60 पर रेजिस्टेंस लेने के बाद अभी ये सेंटर बैंड में सपोर्ट ले रहा है। अगर सपोज एक बार इस सपोर्ट के नीचे क्लोज दे देता है तो एक फर्दर फॉल टुवर्ड्स 1.3425 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑसी डॉलर में ये आपका कल फिर दोबारा फॉल्स ब्रेकग्राउंड था, ये अगेन ऊपर आ चुका है। दैट बीइंग द केस इट्स ट्राइंग टू से दैट आई एम अगेन मूविंग टुवर्ड्स 0.65, 0.6025। सो यहाँ पे फॉल्स दो दो बार फॉल्स ब्रेकडाउन कर चुका है। सीएनएच कंसोलिडेशन जारी है 7.3075। सो जब तक चाइनीज इकोनॉमी में बेटरमेंट नहीं दिखता है और पीबीओसी अपना हट नहीं छोड़ देता तब तक ये साइडवेज कंसोलिडेशन में रहेगा। ब्रेंट क्रूड 90.27 कल एक अच्छा खासा उछाल देखा गया था लेकिन हायर लेवल पे थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शंस देखा गया है। सो यहाँ पे एज ऑफ नाउ मीन्स साइडवेज टू हल्का सा बायस टुवर्ड्स अपवर्ड साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी आपका 4.74, ये कल अच्छा खासा अप मूव देखा गया फिर दोबारा ये 60 को तोड़ के ऊपर जाने का तैयार कर रहा है। सो अभी हमें देखना है कि क्या ये कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ तो इन सच ए केस 4.88 4.90 क्या दोबारा टेस्ट करेगा या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। 2 ईयर ट्रेजरी में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है इन कंपैरिजन टू 10 ईयर। 10 ईयर में आरएसआई जस्ट कभी भी ऊपर की तरफ अप मूव कर सकता है बट 2 ईयर में थोड़ा सा 60 आरएसआई इज गोइंग टू एक्ट एज ए गुड मेजर रेजिस्टेंस लेवल। दैट मीन द केस यहाँ पे थोड़ा
साइडवेज टू लिटिल बिट हायर हायर लेवल पे सेलिंग के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स सर्कल, एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।